मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूं संजना। ये देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सैफ की मूंछों से खिलवाड़, देखने लायक है करीना कपूर की मुस्कान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, उनकी बॉन्डिंग हमेशा चर्चा में रहती है। कपल के फोटो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। अब करीना और सैफ की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में करीना कपूर खान पति सैफ अली खान की मूंछों के साथ खेलती नजर आईं। इस दौरान करीना के चेहरे पर बेहद क्यूट सी स्माइल दिख रही है, वहीं सैफ भी चुपचाप खड़े हैं जब करीना उनके साथ मस्ती करती दिख रही हैं। ये पल कपल के लिए बेहद ही खास है। सैफ करीना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, फैंस को भी ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं। कांस में फिल्म जंगल क्राई का ट्रेलर हुआ लॉन्च। कांस फिल्म फेस्टिवल में हर साल यहां बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचते हैं, फिल्मों की स्क्रीनिंग और ट्रेलर भी लॉन्च किए जाते हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड का एक और नाम जुड़ गया है, वो नाम है अभय देओल का। दरअसल अभय देओल की फिल्म जंगल क्राई का ट्रेलर कांस 2019 में लॉन्च किया गया। कांस में फिल्म के ट्रेलर के साथ ही एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया। अभय देओल अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अभय की नई फिल्म जंगल क्राई के ट्रेलर में वो बच्चों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। ये फिल्म वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है। फिल्म की कहानी 2007 में अंडर 14 रग्बी टीम की ऐतिहासिक जीत पर आधारित है। फिल्म में कैसे ओडिशा के लड़कों की एक टीम जूनियर रग्बी विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयारी करती है, इसे दिखाया गया है। फिल्म में अभय ने रग्बी कोच की भूमिका निभाई है। विवेक ओबरॉय को मिली धमकी, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। अभिनेता विवेक ओबरॉय अपनी फिल्म पीएम मोदी को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। विवेक को हाल ही में फोन पर धमकियां भी मिली थी। माना जा रहा है कि विवेक को धमकी मिलने का कारण पीएम मोदी की बायोपिक में लीड रोल निभाना है। इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन सेल ने विवेक ओबरॉय को सुरक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल इंटेलिजेंस के इनपुट्स के बाद विवेक की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। विवेक के पास अब दो कांस्टेबल तैनात होंगे। इस कांस्टेबल्स को मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ब्रांच ने उपलब्ध कराया है। जुहू पुलिस ने विवेक ओबराय को यह सुरक्षा प्रदान की है। सुहाना खान की 10 अनसीन फोटोज। हाल के दिनों में कई फिल्मी आर्टिस्ट के बेटे बेटियों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। चूंकि सुहाना खान भी शाहरुख की बेटी हैं, इस वजह से उनके फिल्मी डेब्यू से जुड़े सवाल में लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। शाहरुख से ये सवाल भी खूब पूछा जाता है, सुहाना खान का बॉलीवुड डेब्यू कब होगा। इस बारे में शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था। शाहरुख ने कहा था, सुहाना अपने करियर को लेकर पूरी तरह से क्लियर हैं, वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, अभी वो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, इसके बाद वो एक्टिंग कोर्स करेंगी जिसमें 2 से 3 साल का समय लगेगा। वैसे शाहरुख खान अपनी बेटी को लेकर ठीक एक आम पिता की तरह ही प्रोटेक्टिव हैं। सुहाना फिलहाल लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, वहाँ उन्होंने कई नाटकों में भी काम किया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सुहाना खान अपने दोनों भाइयों आर्यन और अबराम के बेहद करीब हैं। अबराम संग मस्ती करते हुए उनकी कई तस्वीरें गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। सुहाना खान को बर्थडे विश करने के लिए अनन्या पांडे ने शेयर की क्यूट तस्वीर। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान 19 साल की हो गई हैं। सुहाना के जन्मदिन पर उनकी बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बेहद खास अंदाज में उन्हें विश किया है। अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो शेयर कर सुहाना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अनन्या पांडे के जरिए शेयर की गई इस फोटो में सुहाना बेहद क्यूट लग रही हैं। इस फोटो में सुहाना खान, अनन्या पांडे और सनाया कपूर नजर आ रही हैं। तीनों ने हाथ में बंदूक ली हुई है। तस्वीर में तीनों ही बेहद क्यूट दिख रही हैं। फोटो शेयर करते हुए अनन्या ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे माई लिटिल बेबी विद बिगेस्ट हार्ट, वी लव यू। कांस में मुद्दा बनी हाई हील्स, नंगे पांव रेड कार्पेट पर चली एक्ट्रेस। कांस फिल्म फेस्टिवल में न केवल सेलेब्स के फैशनेबल अवतार देखने को मिलते हैं बल्कि कई मुद्दे भी चर्चा में बने रहते हैं। साल 2015 से ही कांस फिल्म फेस्टिवल में हाई हील्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले साल क्रिस्टन स्टीवर्ट डायरेक्टर स्पाइक ली की फिल्म के प्रीमियर के लिए पहुंची थी। वो इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी भी उस साल रही थी। स्टीवर्ट ने ब्लैक लाओ बुटीन हील्स पहने हुए थे, लेकिन फिल्म की स्क्रीनिंग में जाने से पहले उन्होंने अपनी हील्स को उतार दिया और वो वहां नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। दरअसल स्टीवर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं 2015 में हुई घटना के खिलाफ एक विरोधी था। उन्होंने हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ बातचीत में बताया था कि मुझे लगता है कि कांस में लोग बेहद आहत होते हैं अगर महिलाएं हील्स में नहीं आती हैं। बोल्ड लुक में रेड कार्पेट पर उतरी हॉलीवुड एक्ट्रेस।
दुनिया भर में इन दिनों 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल की धूम है। देश विदेश से सितारे इस फिल्म फेस्टिवल में एक से एक शानदार लुक में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में जर्मन की फेमस मॉडल रेड कार्पेट पर बेहद बोल्ड लुक में दिखाई दी। हाई स्लेट गाउन में टोनी ने रेड कार्पेट पर एक से एक डेयरिंग पोज दिए। टोनी की ड्रेस का हाई स्लेट कट काफी रिवीलिंग था, जिसका फायदा उन्होंने बखूबी उठाया। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद जब टोनी पलटी तो ड्रेस को हवा में घुमाकर भी उन्होंने पोज दिया। टोनी ने इस दौरान अपनी ड्रेस को बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से एडजस्ट कर लिया। 8 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करेंगी रोजा फेम मधु। 1991 में अजय देवगन के अपोजिट फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में एंट्री कर लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस मधु फिलहाल सुर्खियों में है। दरअसल मधु 8 साल बाद बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी फिल्म खली बली से कमबैक करने जा रही हैं। मधु ने कई हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है। उन्हें आज भी मणिरत्नम की फिल्म रोजा के लिए याद किया जाता है। इतने सालों में मधु के लुक्स में काफ़ी बदलाव आया है। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस हो गई हैं। मधु अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मधु मूल रूप से तमिल हैं। वो हेमा मालिनी की भांजी हैं और ईशा देओल की कजिन हैं। मधु ने मदरहुड पर फोकस करने के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था। प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड संग मालदीव्स में बेबी मून एंजॉय कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग मालदीव में बेबी मून एंजॉय कर रहे हैं। कपल ने मालदीव हॉलीडे की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं। गैब्रिएला ने अपने क्वालिटी टाइम की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। फोटोज में गैब्रिएला काफी रिलैक्स मोड में दिखी। प्रेगनेंसी ग्लो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बता दें कि कपल फिलहाल मालदीव के अंतरा वैली रिजॉर्ट में रह रहा है। अर्जुन रामपाल ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेग्नेंट होने की जानकारी शेयर की थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को पिता बनने के बारे में बताया था। बता दें कि अर्जुन और गैब्रिएला ने अभी तक शादी नहीं की है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।